टीजर देख लिया, गाना देख लिया, अब आता है ट्रेलर की बारी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। क्या करण जौहर के पास वही मैजिक अभी भी है? पता लगाते हैं। रॉकी रंधावा दिस साइड। यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। नो आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू ऑब्जेक्टिफाई यू। आई वाज कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, ताड़ लो जितना ताड़ना, देखने की चीज बड़ी मेहनत से बनाई है जी, ऑल नेचुरल नो स्टेरॉइड। आप सुन आई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी। अरे तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना? प्रॉब्लम यही है, तू ना मुझे डफर समझती है। चल आज तो कुछ पूछ के देख, गूगल के चीथड़े नहीं फाड़ दिए ना, मेरा नाम भी रॉकी रंधावा नहीं है। वेस्ट में, बट ऑब्वियस ईस्ट में है। ये ट्रिक क्वेश्चन था। ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी, लेकिन फिर मैं तुम्हें चेकआउट कैसे करूं? पिघला के मारी। बैंड बजा, बारात वाली फीलिंग। व्हाट झुमका? आठ छपवा दे, मंडप सजा दे, घोड़ी पे सवार आ रहा रानी का राजा। होल्ड योर हॉर्स। सी द प्रॉब्लम इज कि हमारी फैमिली इज बहुत अलग। ओके। रिश्ते का स्टीयरिंग व्हील चाहे अपना हाथ में हो, घर है महल, फैमिली करता है। फिर क्या चाहती क्या है? मैं आके रह जाऊं तेरी फैमिली के साथ, तू मेरी फैमिली के साथ आके रहेगी? तू रैंडम चीजें सजेस्ट कर रहा है कि तू मेरी फैमिली के साथ आके रहेगी। मैं ओह माय गॉड, जीनियस। ओके, इट्स अ स्विच। 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर। अगर ये सर्वाइव कर गए ना, तो शायद शादी के अगले 50 साल भी सर्वाइव कर लेंगे। कॉस्ट्यूम्स क्या है? मैं तो वोट देना ही बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप भी बंद ही कर दो, क्या फायदा? शमिता तो है नहीं। शमिता? शमिता कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? बिग बॉस। क्लास ना एजुकेशन, तुम इस लड़के के साथ शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? इन दोनों की प्रेम कहानी की औकात मैंने ना दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी नहीं, थैला हो गया। ओके, तू सही कह रही है, बहुत हो गया। कितनी भी कोशिश कर लेना, हमारे बीच के फर्क खत्म नहीं होंगे। फर्क तो खत्म नहीं होंगे, अगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है। काम कर रहा है गाना। वो आंटी कपड़ों के बारे में पूछ रहा था। लॉन्ड्री? लॉन्ड्री? बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। क्या है ये? गलत होगा आंटी, आप रानी की मम्मी हैं। अरे मम्मी नहीं 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 नहीं। ओके। पहली बात, मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, मैं तो जा रहा हूँ ये मूवी देखने। फनी लगा, बड़ा लगा, गाने अच्छे लगे, लास्ट में मुझे गूज़बम्प्स आ गए। धर्मेंद्र का सिर्फ एक डायलॉग काफी था, और ये पूरा करण जौहर वाइब है। मतलब ये छोटे घर हो सकते थे, मिडिल क्लास फैमिलीज हो सकती थी, स्वॉप हो गए। आई थिंक ये पहले कहीं तो मैंने कहानी सुनी देखी हुई है, बट फिर भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन नहीं, ये है भाई लैविश, बड़े महल जैसे घर है, जैसे राजाओं के हो। और जो कॉस्ट्यूम, मतलब हर सीन में कॉस्ट्यूम अलग, जैसे एक स्पेशल डिजाइनर रखी हुई है कि हर दिन के कॉस्ट्यूम डिजाइन करेगी। बट यही दुनिया मतलब करण जौहर क्रिएट करना चाहता है, और हर फिल्म मेकर के पास राइट है भाई उसे जैसे क्रिएट करना है वैसा करे। उस पर हम जज नहीं कर सकते, वो क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता भाई ऐसे कैसे दिखा दिया, रिलेटेबल नहीं है, ऐसा तो हमने नहीं देखा। तो क्या फिल्म है भाई, जो चाहे करा दिखा सकता है। अब आपको पसंद आता नहीं आता वो आपके ऊपर है। तेरे में जो कॉमेडी थी वो मेरे लिए काम करी, जो कैरेक्टर रणवीर सिंह काइंड ऑफ बैंड बजा बारात वाला प्ले, दिल्ली वाला बॉम्बे वाला पता नहीं, पर वो जज रहा है उनपे, वो अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जो गाने आए थे और जो टीजर आया था उसमें इतना पता नहीं सूट नहीं कर रहे थे, बट एक्चुअली वो अपने आप को प्ले कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। और आलिया का थोड़ा सीरियस कैरेक्टर है, फुल ऑन फैमिली पैकेज लग रहा है ये, मजा आने वाला है। मैं जाऊंगा देखने, आप जाओगे मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए। तब तक आप मेरे असुर का रिएक्शन देख सकते हैं, मैं हर एक एपिसोड देख रहा हूँ और उस पर बातें कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप, वीडियो शेयर करना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली बार। जय हिंद।